राजस्थान की जनता के साथ इस बार बजट में झूठे वादे कर छलावा करने और पिछले 4.5 साल से जंगल राज की स्थिति को लेकर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात की जन आक्रोश रैली और जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर आज महेश्वरी भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक पुष्कर के अंदर महेश्वरी धर्मशाला में हमारे माननीय यशस्वी जिलाध्यक्ष देवीशंकर गोदराजी के अध्यक्षता में रखी गई और हमारे सभी पदाधिकारी और सभी मंडलाध्यक्ष और सभी प्रमुख लोग आज इस बैठक के अंदर पधारे और सबने विचार विमर्श करके और सब कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है कि 25 तारीख को जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, उसमें पुष्कर विधानसभा से 5,000 से अधिक कार्यकर्ता संख्या के अंदर पहुँचेंगे, उसकी सारी रचना करिए और हमारा लगातार 25 तारीख तक किसी ने हर दिन सरकार के खिलाफ और जनता में जाएंगे, जन जागरण करेंगे, क्योंकि भय भ्रष्टाचार से जो राजस्थान की जनता में भयंकर आक्रोश है और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से RPSC पेपरों की खुली बिक्री कर रही है, खुली उसको रोजगारों के साथ धोखा कर रहे हैं, तो ऐसे अनेकों अनेक मुद्दे हैं जिससे जनता में आम जन में आक्रोश है। 25 तारीख को हमारी जन आक्रोश रैली है, उसके अंदर अधिक से अधिक जाए इसके लिए हम ये बैठे। पिछले 4.5 सालों से जो जंगल राज की स्थिति बनी हुई है, जो अराजकता बनी हुई है और ये सरकार गूंगी बहरी होकर कर निठल्ली होकर के बैठी है, इस कारण आम जन त्राईमान त्राईमान है। भारतीय जनता पार्टी भी पिछले 4.5 सालों से लगातार आंदोलन कर रही है, अब 6 महीने बचे हैं और उन्होंने फिर बजट में जनता के साथ झूठे घोषणा कर छलावा किया है उन सारे विषयों को लेकर कि आज हमारी माताएं बहनें भी सुरक्षित नहीं है और जिस तरीके से तुष्टिकरण का तांडव खेल रही है और जिस तरीके से तुष्टिकरण की पोषक बनी हुई है सरकार, कि हिंदुओं को जिस तरीके से अपमानित कर रही है सरकार, इन सारे विषयों को लेकर कर 25 अप्रैल को अजमेर कलेक्ट्रेट के ऊपर महाघेराव का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और इस महाघेराव के अंदर पूरे अजमेर जिले से चारों ओर से न केवल कार्यकर्ता बल्कि आम जनता के अंदर उत्साह है और वो उमड़ेगी और इस सरकार को घेरेगी और हम कलेक्ट्री का घेराव करेंगे। इस उद्देश्य से विधानसभा अनुसार पूरे जिले में बैठकें चल रही है, 3 विधानसभा 4th विधानसभा है जहां ये बैठक हो रही है और इसी कड़ी को लेकर तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने के लिए आज की ये बैठक का आयोजन किया गया है।